अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहसिन रज़ाक और आप देख रहे हैं मोहसिन वेट ट्रैवल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको आइंदा 2 दिन के बाद अपडेट मिलती रही और कोई ख़ास अपडेट होगी तो और वो हर वक्त आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की अपडेट कुछ यूँ है कि आज अब्र आलूद है, शायद पिछले टाइम स्नोफॉल हो तो स्नोफॉल होगी तो आपके साथ लाइव आऊँगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि लाइव आऊँगा लेकिन स्नोफॉल यहाँ पर नहीं हुई, जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ पर नहीं हुई है। कागान नारान में हुई है लेकिन वहाँ पर जाना ख़तरनाक साबित हो सकता था, तो यहाँ पर मैं आपके साथ लाइव स्नोफॉल शेयर करूँगा। तो आज की अपडेट ये है कि सूरज है और थोड़ी बहुत क्लाउडी और साथ में रास्ते ओपन हैं नारान तक, और नारान में स्नोफॉल जो थी वो पिघल गई है और टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से वहाँ पर ब्लैक आइस पड़ रही है। जहाँ पर भी रोड में पानी जमा हो रहा है वहाँ पर ब्लैक आइस पड़ रही है और वहाँ से फिसलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे कि वहाँ से गाड़ी भी फिसल सकती है, कोई आदमी भी फिसल सकता है, आपके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है। और अगर आप नारान की तरफ ट्रेवल करना चाहें तो तकरीबन आप 11 से 12 बजे के बाद करें, क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत धूप हो जाएगी और तो अगर क्लाउडी हुई तो ब्लैक आइस पिघल जाएगी। और इस ब्लैक आइस पर मैं मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपने देखनी है तकरीबन 2 दिन के बाद, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मजीद ऐसी आपको अपडेट मिलती रहे। और बेहतर यही है आप इस वक्त मरी की तरफ ट्रेवल करें, वहां वो खूबसूरत प्लेस आपके काफी नजदीक भी होगी, ये है भी काफी दूर और यहाँ पर बहुत खतरात पेश आ सकते हैं। और अगर आप आना चाहें तो आप कागान में स्टे करें और तकरीबन 1-2 बजे के बाद नारान जाएं और 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद वहां से वापस कागान की तरफ ट्रेवल करें। और जब भी स्नोफॉल हो हम आपको अपडेट देंगे और उस हिसाब के साथ आप आए। तो ये थी आज की कुछ अपडेट, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो शुक्रिया।